शुभम जी, स्वागत है आपका पूजा के ब्लॉग में। तो गाइस, आपको मुझे देख के लग रही होगा कि आज क्या बड़े खुश हो रहे बच्चे भैया। बेचारे एक डेढ़ महीना रुके हैं घर में, पिटे पिटे हैं, बस और कुछ नहीं मिला इनको। बस एक जगह गए थे बुआ के घर घूमने बस, और हम उससे आगे बुआ के घर भी मार खाई। इसने मार ज्यादा खाई है बेचारे ने, मेरे बच्चे ने छुट्टियों पर ज्यादा खाई। कोई नहीं, लेकिन अब खुश हो रहे हैं कि हमें स्कूल जाना पड़ेगा। हमारे फ्रेंड है, तू हल्ला मत मचा जाए बॉक्स से, तू हल्ला मचा। देखो इस लड़का कितना हल्ला मचाता, कितना चिल्लाता है ये लड़का। देखो हल्ला मचा रहा है, अब उसे मस्ती टीवी देख रहा है वो पीछे पुराने कमरे में, उसी बीच पोटी कर दी उसने। अब तो खुश हो रहा भाई से। भैया पता ना भैया स्कूल जा रहे हैं, पता ना भैया स्कूल जा रहे तो भैया को गुस्सा निकल। आज जा रहे नानी के घर घूमने, प्रिया को बाबू जाने घूमने, दोनों जा रही है। प्रिया इतनी खुश है पूछो मत। प्रिया इतनी खुश है, इतने दिनों बाद जा रहे, क्यों नहीं खुश है? देखा मोक्सी अभी खुश है, लेकिन आएगा जब देखना। जब फ्रेंड बच्चों को छोड़ आई हूँ मैं, जैस को भी छोड़ के आ गई हूँ, और आके बड़ा मतलब घर खाली खाली सा लग रहा है बहुत ज्यादा। हम काम शुरू करते हैं, काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जैसे कि कमरे सारे फैले हुए हैं, और प्रिया कर रही है बर्तन, किचन बहुत ज्यादा फैली हुई है। तो कर लेते हैं यार, बच्चों के बिना भी मन नहीं लगता। आज पहला दिन है तो थोड़ा इसलिए लग रहा है, लेकिन ये है पढ़ाई भी जरूरी है और भेजना भी जरूरी है। यहाँ इधर उधर से घूमने से अच्छा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, वो ज्यादा अच्छा है। तो आज इनकी भी छुट्टी नहीं है, आज ये भी ड्यूटी चले गए। तो आज मैंने खाने में बनाया आलू सोयाबीन और चावल, क्योंकि आटा खत्म हो गया था घर में, आटा नहीं है। तो गेहूँ रखे हुए हैं जिसे शाम को पिसवा के लेके आएंगे, तो शाम तक मतलब शाम को बनेंगे रोटी सब्जी। और शायद फिर अपने वहाँ जाएगी, और रानी शायद विनय की जो ससुराल है उनके ससुर का बर्थडे है, तो शायद वो जाए, मैं नहीं जाऊँगी बच्चों को लेके। बच्चे थोड़े शरारत करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, किसी के घर वैसे शरारत करते हैं किसी को बुरा लगता, कोई कह नहीं पाता, लेकिन मैं तो समझ सकती हूँ ना, तो मैं इसीलिए बच्चों को लेके यहीं रहूँगी। फिर ये कह रही है राघव आ जाएगा तो राघव को लेके मैं चली जाऊँगी। मुझे चल ले जाएगी प्रिया, राघव को ले जाएगी, 12-1 बजे जाएगी प्रिया, तो शायद जब तक 12 बजे तक राघव भी आ जाएगा। तो बने रहना, दिखाती हूँ आपको आगे का। और रानी जा रही है मशीन लगाने में, मना कर रही है, रानी कह रही है शाम को मुझे जाना पड़ गया तब, इसीलिए। एंड देखिए काम हो गया सारा, नहा भी ली मैं, नहाने के बाद मैंने एक दो रील्स भी बनाई है। रानी अभी कपड़े धो रही है, प्रिया नीचे का काम करने गई है, और 11:30 हो रहे हैं, काम सारा हो चुका है, बस प्रिया का जो एक कमरा रह गया है। और फ्रेंड मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं करा था तो मुझे भूख लग रही थी, तो आज मैंने खाने में जैसे कि आपको बताया चावल और सोयाबीन बनाई है, आलू सोयाबीन और चावल अलग से बनाया, ये अचार ले रखा है मैंने, तो मेरे को भूख लग रही है। मैं सोच रही हूँ खा लूँ फिर मैं बाहर जाऊँगी बच्चों को लेने, चक्कर वक्कर ना आ जाए, गर्मी वैसे ही है, तो मैं वैसे बच्चों के बिना खाती नहीं हूँ। आज मेरे को भूख ज़्यादा लग रही है तो मैंने सोचा कि खा लेती हूँ, कोई नहीं, फिर बच्चों के खाने पीने में लग जाती हूँ ना, फिर मेरा और लेट हो जाता है खाना सही में। और जैसे कि आपने देखा हमारा जीन वाल फैमिली पर शायद अभी डलेगा या डला व्लॉग अपलोड हुआ है, हमारे जो इंटरव्यू लिए हैं इसके बारे में, अब पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, बताना आप कमेंट में, वो तो जीन वाल फैमिली व्लॉग पे ही आएंगे। तो आ जाइए अभी खाना खा लीजिए, आज बच्चे आ जाएंगे 12 बजे, तो चलो खाना खा लेते फिर मिलते हैं। देखिए फ्रेंड मैंने खाना खा लिया, मेरे साथ विनय ने खाना खा लिया, विनय और मैंने दोनों ने खाना खा लिया, और आज बहुत मजा आया, सोयाबीन आलू की सब्जी थी और चावल तो बहुत मजा आया। विनय भी कहते अच्छा लग रहा है भाभी, मैं कहा हाँ कुछ अलग सा हो गया, नहीं तो दाल चावल बना के खाते थे हम। तो फ्रेंड मेरी लाइफ बहुत बिजी है अब, जैसे कि बच्चों का लाने का टाइम हो गया, पहले बच्चों को छोड़ के आऊंगी, आज तो ये छोटे वालों को तो ये छोड़े आए, राघव को तो ये छोड़े आए थे, और जैस को मैं छोड़ के आई थी, फिर मैं छोड़ के आई, फिर उसको पोटी आ गई रास्ते में, पोटी करवाई जैस को, तो ऐसे ही है बस, थोड़े से बिजी है, बहुत बिजी है मेरी लाइफ सच्ची में। अब आज तो मैंने लंच साथ में ही दे दिया था, नहीं तो मैं 10-20 पे जाती हूँ उनका लंच देने, मेरे ना बहुत चक्कर हो जाते हैं स्कूल के ट्यूशन के, मतलब बहुत बिजी है मेरी लाइफ। कहने का मतलब ये है कि मैं जितनी
कोशिश करती हूँ ना, मतलब मैं ना रहूं बिजी, उतनी बिजी हूँ, फिर घर में भी काम है इतना, घर भी देखना पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा सा करना पड़ता है यार, क्योंकि बच्चों को नहीं देखेंगे स्कूल और ट्यूशन तो कौन देखेगा। एक दिन कोई छोड़े आएगा, दो दिन छोड़े आएगा, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ही रखनी चाहिए ना, किसी के ऊपर नहीं दे छोड़नी चाहिए, है ना। मम्मी भी छोड़े आते हैं कई बार, बच्चे भी छोड़े आते हैं, काकू भी छोड़े आते हैं, लेकिन कई बार वो मना भी कर देते ना, फिर ये लगता है कि मैं क्यों कहती हूँ उनसे। काकू मना कर देते हैं कई बार, भाभी मैं नहीं जा रहा, तो मुझे लगता है कि हमें खुद ने खुद को ही करनी चाहिए ये जिम्मेदारी पूरी। चलिए जी, बच्चों को लेने आ गए अब। कैसा लगा आज है? जो भैया को भी बुला लो। आ गए दोनों बच्चे, कैसा लगा रहा है? पढ़ाई नहीं तो क्या हुआ? मस्ती। चलो मस्त है। और आपकी? बहुत है। चलो, आज मैम ने बोला था कि फर्स्ट दिन है तो मतलब स्कूल में एंजॉय करें बच्चे। हाँ। अब कल से पढ़ाई हो गई। अच्छा लगा ना? कल से या परसों से पढ़ाई हो। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो जैस। हाँ। आपकी मैम ने क्या गिफ्ट किया आपको? ये आपका आज में जो पर्पल है और ये टोपी। टोपी? हाँ। आप बोली न्यू मैम आपकी? हाँ। कौन सी मैम है तेरी? किसी बच्चे को नाम नहीं पता। नहीं मैम आई। चलिए चलते हैं बच्चों को ले चलते हैं। रोड आ रहा है, रोड पे से अच्छी तरह से ले जाऊंगे बच्चों को। नहीं जाना, नहीं जाना। नहीं जाना इसको, मेरे बेटे को। तो फ्रेंड राघव भी जा रहा है। भैया भी जा रहा है। मेरे राघव भी जा रहा है। और जैस और मैं यहीं पर है ना जैस? हम बस लालच है। राघव सो रहा है वो। सुला ले कपड़े इसके। सही कैसे कपड़े बिनाए इसके? भी नहीं सही से बिना इसे मैं डाला। अपन आ रहे अभी नहीं, जिस दिन पापा आएंगे जब लेके आएंगे। जैस राघव इसके कपड़े सही नहीं है अभी। अरे जाने के टाइम पे खाना खा रहे हैं। वो क्या नाम है? तो प्रिया भी तैयार हो गई है। प्रिया बाबू को लेके खड़े है। ये प्रिया दिखाई देता है, सूट बहुत सुंदर लग रही है। प्रिया फेस तो दिखाएगी नहीं, लेकिन सूट जरूर दिखाएगी। तैयार हो गया, नहीं लेके जा रहा। हाँ जी यार, तुम कपड़े धोने बैठ गए बाजार चलने के टाइम पे, खाना बनाने के टाइम पे। आज खाना आ रहा है बाहर से, रोटी बनी हुई एक है और चिकन बना रही है। तो बच्चों की ड्रेस भी हो रखी थी, तो तुम्हारी भी ड्रेस आ गई टूटी की। ओहो भाना तो पहले ही तैयार रख रखा है। गाइस देखिए, इस वजह से मैंने कहा कि आज बाजार चलना, आज से बच्चों के स्कूल खुल गए, तो उनके बैग ड्रेस वर्दी वगैरह सब कुछ लेके आनी है। और ये कपड़े धोने में लग गई। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि चलो चलो, पर नहीं, कान पे जूनी रेंग दी इसके। मैं इस कान से सुन के इसके निकाल देती हूँ। सुन के अभी ना रही। चल यार जल्दी फटाफट, बस 5 मिनट। 5 मिनट तक वीडियो चालू करके रखूँ, देख लो तेरे 5 मिनट में धुल जाएंगे नहीं धुल जाएंगे बोल। चल 10 मिनट रख दी वीडियो चालू करके, और बता। ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं सोने जा रहा हूँ, फिर मुझे उठा दियो। और क्या, और ना उठो तो फिर खुद ही चली जाइए। अब भी लोग कुछ नहीं बोलेगा बन रहा। अरे कोई बात नहीं, पड़ोसी भगवान के समान होते हैं पता है। ये वो पड़ोसी ना, ये दुनिया भर के वो है। कोई बात नहीं, देख हमारी दीवार हमारे सामान से इनकी कितनी मदद हो रही है, इनके मन सुख रहे। देखना भाभी बेचारी। देखिए गाइस, भाभी भी ऊपर आ चुकी है, और भाभी अपने साथ कैमरामैन ले गई है। ये हमारे अनन्या है, कैमरामैन है ये। हाँ आजकल पाकी आती नहीं ना, पाकी घूमने गई हुई थी, आजकल ट्रेंडिंग में है अनन्या। हम सोचे हम अपना मैनेजर रख लेते हैं अनन्या को,
और इसके कपड़े देखो, 5 मिनट बोले थे, 10 मिनट हो गए, अभी तक कपड़े नहीं धुले इसके। हैं चलो मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे उठा दियो। भाभी तुम कुछ कहना चाहते हो? क्या कहूँ, मेरे से कह रही तू तैयारी कर ले सब्जी की, मैं बर्तन धो रही हूँ, ऊपर आके जम गई और देखो मेरे से कह रही तुम आ जाओ कमरा समेट दो, फिर उसके बाद बाजार चल रहे और देखो। अब सर में दर्द नहीं हो रहा इसके, देख लो देख लो। तो गाइज इससे मिलिए, यह है अनन्या, इसे हमने हमारे कैमरा मैन अपॉइंट कर लिया इसको। देख लो तो गाइज इनकी लड़ाई तो चलती रहेगी, हम तो चले भाई आराम करने, ड्यूटी से आके बैठे हुए हैं, ये अपने कपड़ों में लग रही है, भाभी अपने मोबाइल में और ये खाने की तैयारी करने में लग रही है, और ये छाता लेके, बारिश होने वाली है इससे पहले से कैमरा में छाता लेके खड़ी है। मैंने अपने में से नहीं दिया था बिस्किट, तो फ्रेंड देखे मैं आई हूँ, ये कपड़ों के तेल लगा रहे हैं कपड़े सुबह रानी ने धोते थे, सारे कपड़े तेल लगा रहे हैं। गाइस अभी हम जाएंगे अपनी नानी के घर, उधर खाएंगे मेरी फेवरेट पूरी है। नानी के घर ना जा रहे आप सब, ना नन्या से कष्ट हो आप सब देखोगे जय की पिटाई वो भी लाइव। पता है ये नन्या से क्यों गुस्सा हो रहा है, इसने बता दिया ना कि उनके घर में गुस्सा हुआ था ये। अब सारे फैन रहेंगे जय की पिटाई। नाम बाजार से आ गए, बाजार से आके अपने ब्लॉग देख रहे हैं। तो फ्रेंड ये मेरा ब्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस ब्लॉग का ये एंड करती हूँ। लाइक सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना, और बाजार में इतनी गर्मी थी मेरे सर में दर्द से दोबारा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।